You are watching NTTV, News Telangana Television. आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर गलबलगुड़ा ताड़बन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से लड़कियों के लिए एक हेल्थ किट का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिप्टी डीओ आईओ और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन यहां पर मौजूद थे। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम है और जो प्रोग्राम जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना आवाम के लिए बच्चों के लिए निकालती है अच्छे होते हैं, उसमें मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा साथ देती है और उस स्कीम्स के तायद करती है। ये जो हेल्थ किट्स है ख़ास तौर से लड़कियों को दिया जा रहा है सेवन्थ क्लास से लेकर इंटर सेकेंड ईयर तक। जो बच्चियों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें सारे चीज़ें इस हेल्थ किट्स के अंदर रखे जाते हैं और बच्चियों को अपने सेहत के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन हमेशा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है हैदराबाद शहर में पुराने शहर में ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की जानिब से एवरी ईयर एक बैग दिया जाता है, एजुकेशन किट दिया जाता है, ऑल इन वन गाइड दिया जाता है, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फीस दिया जाता है और बहुत प्रोग्राम्स मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन स्कूल्स के लिए कर रही है। और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स है उसके अंदर एमएलए लैड फंड से इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आरओ प्लांट्स लगा गया है। ये सारे चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो
गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं वो अपने कमी महसूस ना करें, हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़े हैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, उसकी वजह से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा उनकी सेहत का, उनकी पढ़ाई का, उनके यहाँ पर जितने भी सहूलतें मिलना चाहिए उस सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की यही कामयाबी है कि हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर अवाम का साथ देती है, उनके तकलीफ़ों को समझती है, उनके तकालीफ को समझकर हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स, MLAs, कॉर्पोरेटर हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हैं। शुक्रिया।